हैं, भूमि की तैयारी करते हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। जो भी उसमें बीज होते हैं या खरपतवारों के, तो जब आप भूमि शोधन कर देते हैं तो ज्यादातर वो नियंत्रित हो जाते अच्छा, हैं, बहुत अधिक समस्या नहीं आती। अच्छा, कोई किसी प्रकार के कीटों का प्रकोप या रोगों की रोगों का हाँ रोगों का हो जाता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त जरबेरा की, तो इसमें कई रोग लग जाते हैं, तो जैसे आर्द गलन वगैरह हो जाता है कि पौधे जड़ से टूट जाते हैं। तो इसके लिए आप किसान भाई चाहें तो, अगर समस्या हो तो, क्योंकि समस्या होने पे इसका निदान करने की आवश्यकता है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह है या मैंकोजेब, इनके छिड़काव से इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी कि जरबेरा में जैसे आप अच्छी प्रजातियों के रूप में आप सिल्वेस्टर और सैल्वाडोर वगैरह अच्छी प्रजातियाँ हैं, जब आप पॉली हाउस में लें तो ऐसा उन प्रजातियों का आप चयन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप जरबेरा की खेती करें तो जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हैं उनमें भी हम खेती कर सकते हैं। अच्छा, यानी उसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें जो किनारे के हैं उनको उठा लिया जाता है जब ज्यादा तापमान बढ़ता है, तो जैसे हवा का प्रभाव वगैरह बढ़ जाए, तो इस तरह के पॉली हाउस जरबेरा की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा, जैसे पॉली हाउस में टेम्परेचर, ये जो तापमान है, आद्रता है, तो इसके नियंत्रण के बारे में कुछ बताया कि जो बढ़ता घटता रहता है। देखिए, तापमान नियंत्रण इसी तरह करते हैं कि जो किनारे की जो चारों तरफ की जो पॉलिथीन लगाते हैं उसका जो शेड है यानी कि जो छाया वो देता है लगभग 50% देता है। अच्छा अच्छा और जो ऊपर लगाते हैं यानी कि जो छत पे बनाते हैं वो जो छाया है वो करीब 80% देता है। तो और जो जो किनारे किनारे चारों तरफ लगाते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको खोला जा सके, यानी कि पर्दे की भांति उनको आप खोल सकते हैं। जब गर्मी तापमान बहुत अधिक बढ़ जाए तो उनको आप ऊपर कर लीजिए जैसे वायु का प्रभाव बढ़ जाए और वहाँ का तापमान नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, कूलिंग पैड्स लगाए जाते हैं, यानी कि कूलर जैसी व्यवस्था की जाती है कि जब तापमान अधिक बढ़ जाए, क्योंकि देखिए इसमें तापमान करीब 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जरबेरा में उपयुक्त नहीं होता है, और उधर अगर आप न्यूनतम देखें तो करीब 12 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता है कि उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसको पूरा नियंत्रित करने की आवश्यकता रहती है। तो क्योंकि अभी मान लीजिए इस वक्त गर्मी में किसान भाई ले रहे हैं रोपड़, अभी वो जून से अगस्त तक कर सकते हैं, तो इसमें तापमान को नियंत्रित करने की आवश्यकता ज्यादा है, यानी कि कम करने की आवश्यकता ज्यादा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, गर्मियों में जैसे हमें तापमान को नियंत्रित करना है तो उसकी क्या विधि रहती है, और सर्दियों में अगर तापमान को नियंत्रित करना है तो उसकी भी विधि? देखिए, गर्मियों में उसमें मैंने अभी बताया कि कूलिंग पैड्स लगते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, उससे पानी की जो बूंदें हैं वो गिरती हैं नेट पे, और उससे जो हवा अंदर जाती है वो ठंडी होकर जाती है, जिससे तापमान नियंत्रित हो जाता है। और यदि अब सर्दियों में तापमान बहुत अधिक नीचे चला जाए तो ऐसे में हीटर आदि की व्यवस्था की जाती है जिससे तापमान को बढ़ाया जाए। जी जी। अच्छा, जिससे हम देखते हैं कि खुले में जब हम पौध लगाते हैं और पॉली हाउस में जो पौध लगाते हैं, तो उसके उत्पादन और गुणवत्ता में क्या फर्क रहता है? देखिए, उत्पादन में भी फर्क रहता है और गुणवत्ता में भी फर्क रहता है। अच्छा, यदि हम जरबेरा की बात करें तो यदि पॉली हाउस में लगाएंगे तो करीब 200 पुष्प प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम खुले वातावरण में लगाते हैं तो लगभग 130 से 150 पुष्प प्राप्त होते हैं। अब हम अगर गुणवत्ता की बात करते हैं तो जब आप पॉली हाउस में लगाते हैं तो A1 श्रेणी, जो सबसे अच्छी श्रेणी मानी जाती है, A1 श्रेणी के जो पुष्प हैं जरबेरा के, वो लगभग 85% तक प्राप्त हो जाते हैं जब आप पॉली हाउस में लगाते हैं। लेकिन जब आप खुले में लगाते हैं तो वो प्रतिशत आपका 15 से 20% से अधिक नहीं जाता है, तो जिससे स्वाभाविक रूप से बाजार में उनकी मांग भी कम हो जाती है और जो उनको दाम मिलते हैं वो भी कम मिलते हैं। अच्छा, जैसे पॉली हाउस में जब हम पौध लगाते हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत पड़ती हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान भाई बहन बरते ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके? देखिए, सावधानियां मैंने शुरुआत से बताया, जैसे आपने जब पॉली हाउस लगा दिया उसके बाद आपने उसमें जब जरबेरा के पौधे लगाए तो आप भूमि शोधन करेंगे, शुरुआत होती है भूमि शोधन से, जैसे जो भी उसमें जीवाणु हो या जो भी खरपतवार के बीज आदि हो वो नष्ट हो जाएं ताकि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो पाए। सिंचाई में मृदा में नमी बराबर बना के रखें, सिंचाई बहुत आवश्यक है, ऐसा ना हो कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी ना हो, ड्रिप सिंचाई का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक यदि कोई बीमारी वगैरह आती है तो उस हिसाब से अगर उसका आप उपचार करें, ये महत्वपूर्ण जो भी सावधानियां हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना चाहिए। प्रजातियों के संबंध में आपको बता चुकी हूँ कि सिल्वेस्टर और सेल्वाडोर अच्छी प्रजातियां हैं जिन्हें किसान भाई ले सकते हैं, और यदि आप चयन करें
आप ये अपने आप जरबेरा लगाने का पॉली हाउस में आप निर्णय लेते हैं तो आप जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से जिस भी जनपद में आप हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत विस्तृत जानकारी अनुदान के संबंध में एवं सभी संबंध में आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तोड़ने के संबंध में भी कोई सावधानी बरतनी जरूरी रहती है कि फूलों को तोड़ते समय भी कोई सावधानी? तोड़ने के संबंध में एक लंबी डंडी रखी जाती है पहली बार, क्योंकि आप जब भी आप जरबेरा देखेंगे तो आपको लंबी डंडी के साथ प्राप्त होगा। उसके बाद अगर आपको दूर तक ले जाना है तो करीब 20-20 फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं और उसको कॉरगेटेड बॉक्सेस होते हैं जिससे फूलों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। और दूसरी बात है कि रुई अगर लगा दी जाए, भीगी हुई रुई नीचे लगा दी जाए जहाँ से आप काटते हैं तो उससे उनको पानी और थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहता है तो लंबे समय तक वो अच्छी हालत में रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने जरबेरा की बात कही है तो जरबेरा की मांग कितनी है और कहाँ कहाँ पर रहती है इसकी मांग? देखिए, जरबेरा की मांग बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा कि व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा पुष्प है। आप शादी ब्याहों में देख लीजिए, आप हर जगह इसको सजावट में उपयोग में लिया जाता है, इसके बुके आदि दिए जाते हैं। तो दो महत्वपूर्ण जगह तो यही है कि आयोजनों में इनका बहुत अधिक प्रयोग होना शुरू हो गया है क्योंकि लंबे समय तक इनको गुलदान में रखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि बुके वगैरह जो आजकल दिए जाते हैं उसमें जरबेरा को काफी प्राथमिकता दी जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने अनुदान के विषय में बात की तो अनुदान की प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे हमारे किसान भाई बहन अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, कोई जो प्रक्रिया होती है तो उस विषय पर विस्तार से जानकारी? देखिए किसान भाइयों, वर्तमान में विभाग में सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर चाहे वो राज्य औद्यानिक मिशन हो चाहे विभाग में संचालित अन्य योजनाएं, तो उनको पोर्टल पे जाके, एग्रीकल्चर के पोर्टल पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिस भी योजना का उनको लाभ लेना हो। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। वैसे पॉली हाउस, क्योंकि इसमें काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है तो बहुत अधिक समस्या नहीं है। ज्यादातर यदि किसान इसके लिए आवेदन देते हैं तो उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन इसका तरीका यही है कि आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और लाभार्थी के रूप में पहले आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, उसके बाद फिर आपको इसका लाभ दिया जा सकता है। गीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि पॉली हाउस में फूलों की खेती अगर आप करते हैं तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और भविष्य में लाभान्वित जरूर होंगे। इसी उम्मीद के साथ में हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।